ये शोरूम का लड़का है ना मुदम्मिल, यहाँ पर जो अपना कट चुका है हाफ बोनट मैं करवा रहा हूँ आपसे, सारा शुरू हो चुका है, बच्चे ने सफाइयाँ सफाइयाँ शुरू कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, जबरदस्त होंगे, मजे में होंगे, आपका भाई भी ठीक है, जबरदस्त है, मजे में और बेहतरीन है भाई। घर से निकल गए हैं, आज का सीन जो है बड़ा मजेदार होने वाला है क्योंकि भाई जान 14 अगस्त आने वाली है। अपने वतन से प्यार तो हर बंदे ही करता है और अब हर बंदे का अपना अपना नजरिया होता है कि वो किस तरह प्यार करता है। तो भाई जान हम सोच रहे हैं एक फ्लैग नहीं झंडा बनवाने की। एक तो मैं सोच रहा था पहले मैं टेपिंग कर दूँ जैसे एक झंडा लेके, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, काफी लोग अपनी गाड़ी के साथ टीटो पार्टी लगा रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैंने कहा मैं भी क्यों ना टीटो पार्टी लगाऊं। तो मैंने भी सोचा है कि भाई हम इसको ले चलते हैं अपने डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोले तो इस्लाम भाई। वैसे तो ये सारी जगह 14 अगस्त मेरे ख्याल से कब है, कल है, बुध वाले दिन थे। पहले तो मैं सोच रहा था मरी चला जाऊं 2 दिन ना, फिर मैंने कहा यार अकेला बंदा कहाँ खवारी काट के, अभी तो इतना लंबा ट्रैवल करके आया हूँ, अभी दोबारा मरी। मैंने कहा था तो दोस्तों को वो नहीं माने, जब वो भी नहीं माने तो फिर हम भी नहीं माने, हमने कहा दफा करो नहीं जाते, फिर हम कल चले जाएंगे लइए। लइए कहाँ जाएंगे क्यों जाएंगे वो आपको पता कि हम कहाँ जाते हैं क्यों जाते हैं क्या करने जाते हैं, वहाँ पे एक नई चीज़ बनी है उसकी ट्राई करने जाएंगे। अच्छा पहले तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले को कर लो सब्सक्राइब, और आज मैं अपने कैमरामैन को बुलाता हूँ, वो हमारे मज़ेदार से शूट करेगा और वो वीडियो आपको टिकटॉक पर मिलेगी। ठीक है पहले चले थे इस्लाम के बाद। हाँ बम्पर की बात की जाए तो बम्पर थोड़ा सा और टूट गया, रात को मैं कैफे के बाहर था, मुझे नज़र नहीं आया वो क्या कहते हैं उसको स्टेप नज़र नहीं आया मैंने मार दिया इसके अंदर ना। तो आपको पता तो है छोटी सी गाड़ी है नीचे लगती रहती है, तो फिर पहले थोड़ा सा काम बम्पर का है और फिर इस्लाम साहब के पास जाते हैं। और लाइट आपने नहीं बताई कमेंट्स में कि लाइट कैसे लग रही थी, और दूसरी बात यह कि मैंने 3 दिन बाद वो लोग शूट किया है क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था, बात सीधी मैं काम कर रहा हूँ आजकल गाड़ियों को बेहतरीन तरीके से, तो टाइम ही नहीं मिल पाता, शोरूम से निकल ही नहीं पाता। और आप लोग बताएं अगर गाड़ियों के ब्लॉग्स में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट्स कर दें ज़्यादा सारे कि हम भी गाड़ी के ब्लॉग देख के हम खुश हो जाएंगे, तो बस ठीक है फिर गाड़ी वाले ब्लॉग भी दे देंगे आपको। पहले तो चलते हैं इस्लाम भाई के पास। मौसम की बात की जाए तो मौसम जो है बहुत ज़्यादा गंदा बेकार फजूल, गर्मी शिद्दत की गर्मी है भाई, शिद्दत की गर्मी है, ये देखो नज़र आ रही है गर्मी, अन्य वाह गर्मी है बेवजह। कल मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, कल बारिश हुई है टिका के, लेकिन कल मैं था नहीं, मैं गाड़ी लेने गया था शहर से बाहर आल्टो, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, बंदे मेरे साथ थे, मैंने वो क्या सोचेंगे क्या करी जा रहा है क्या करी जा रहा है। तो बस आवाम की बात की जाए तो आवाम की ट्रैफिक और ये ट्रैफिक वाला ऐसा फजूल काम, ये आवाम जो है ना हमारी सीधी सीधी गाड़ी चलाने को आती नहीं है, पाकिस्तानी आवाम है ना, यही था होता अगर बाहर का मुल्क दुबई सऊदी ओमान कतर मस्कत अमेरिका लंदन पेरिस, इनको सालों को लितर पड़ते हैं ऐसे, बस बता नहीं सकता मैं आपको। चलते हैं जी फटाफट, चलें जी। ये अंकल की दुकान है आपको बताइए, बाबा जी रास्ता दें। चलें जी अंकल जी, वो थोड़ा सा बम्पर रात को फिर वो आउटिंग पे चला गया, वो तो ज़रा ठीक कर दें, जुड़ गए ये अब तारों वाला काम से अच्छा कोई और काम कर रहा जान, और काम नहीं होता जगह ही नहीं है। अभी तो आपने बम्पर बनवा के दिया मुझे, फिर आप ये तारों वाले काम करते हो, तो पक्का मजबूत काम कर दो यार, बम्पर मंगवा लो जापान से। वो फिर 4 दिन पर टूट जाएगा, कोई और पक्का काम नहीं है इसका, हमारे पाकिस्तान के रोड भी टेढ़े मेढ़े हैं ना। पेज कहाँ लगेगा लगवा पुट्टे पुट्टे मशवरा ना दे यार, वो क्लिप सिस्टम भी तो होता है आजकल, ये रोज ही लगती है, आए दिन लगती है, क्योंकि ना रोड का मुझे आइडिया होता नहीं, कहीं पे रोड ऊपर होता है कहीं पे रोड नीचे होता है, मुझे ज्यादातर आइडिया होता नहीं है। अभी गाड़ी बहुत डाउन है ना, सारा दिन कोई और गाड़ी चला रहे होते हैं, रात को ये गाड़ी चला रहे होते, तो बंदे का दिमाग से निकल जाता है कि भाई हमारी गाड़ी तो बहुत ही नीचे है। ये अंकल बना रहे हैं लाइट आल्टो की, ये एक्सीडेंट हुआ होगा किसी गाड़ी का, एक्सीडेंट हुआ ना जी, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होगा, बाइक में मारी होगी। अंकल बैठे हुए थे, मैं मशवरा कर रहा था अंकल जी लव कवर कितने का, अंकल कहते 1500 का। अंकल ये पूरी लाइट कितने की है? 7500। अच्छा वो भी चाइना की, 2 नंबर ओरिजिनल, तो 12-15 हज़ार की होगी। हाँ मैं यही मशवरा कर रहा था अंकल, ये शीशे का कितनी, उसने कहा 1500 का शीशा है, 600 मेरी मजदूरी है, 2100।
अगर नई लाइट लेने जाओ चाइना की तो 7500, और वैसे बाहर कितनी गर्मी में बैठे अंकल, उनका कोई एसी शेसी लगवाओ, कोई मॉल शॉल बनाओ अपना, कोई बेहतरीन सिस्टम। आपने तो कबाड़ की दुकान खोली हुई है, इतनी मड्डी आपने जोड़ रखी है, कहाँ लेके जाओगे? देते नहीं है पैसे कस्टमर, पता नहीं कौन सा कस्टमर नहीं देता, आप छोड़ दो किसी को, हर बंदे की 3000 का काम होता है, कस्टमर कहता 300 रुपए ले लो। अच्छा भैया चले जी, हमारी गाड़ी जल्दी से रेडी हो जाए और फिर निकलते थे, हम जा रहे हैं शाम के बाद। आज हमने बताया कल क्या करना है, हमने फ्लैग लगवाना है, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कहाँ लगवाना है, सरप्राइज है, कोई वीडियो देखो फटाफट। होगी जी हमारी गाड़ी रेडी, अब ये नहीं हिलेगा, अब ये मजबूत हो गया, कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल वाले भाई ने भी चुमी दी थी हमें। चले जी, गर्मी बहुत हो रही है, आपका भाई भी तंदूर बन जाता 2 मिनट पहले। चलो जी, इस्लाम की भी कॉल आ गए 2-3, बुला रहा है हमें, आ जाओ जी। चले जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के चलते हैं जी। चले जी, चले जी, चले जी, चले जी, चले जी, फिर पता लगे लग गई गाड़ी हमारी। ओए 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 उस्ताद जी, आज तो गर्मी कुछ कह रही है, आज है टेम्परेचर क्या है गाड़ी में, टेम्परेचर तो देखें बच्चन, ये वजन क्या हो गया, ओए 35 हो गया, ऐसे चला रहे हैं भाई। चलें जी, बिस्मिल्लाह। हमारे मुल्तान का जेंत प्लाजा और डॉक्टर इस्लाम मेरे कल किसी गाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं, और फर्स्ट पेपर भी मंगवाए हुए उसने, मैंने उसको कहा था, मैंने कहा मैं 2 बजे के करीब आऊंगा, मैं 3 बजे के करीब आया हूँ। ये है जी राजपूत ऑटोज, डॉक्टर इस्लाम कश्कोरी, नहीं है किधर है किधर नहीं, इसको पकड़ते हैं, फिर कहते हैं भाई फटाफट हमारी गाड़ी ले गाड़ी। नहीं जी, हेलो बॉय, ठीक हो? तबीयत ठीक है? किधर है डॉक्टर इस्लाम साहब, किधर गए? गए किधर है भाई जान, करे तेरे को कॉल करें, ये सब रैप हमारे लिए मंगवाया, ये रैप आया भाई जी इस्लाम साहब, कौन रैप कौन करेगा? हमारा शुरू हो चुका है, बच्चे ने सफाइयाँ सफाइयाँ शुरू कर दी हैं, अभी जो फाइनल लुक है वो आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। इस्लाम साहब आ गए और आके जलील कर रहे हैं हमें बहुत ज्यादा, और ये देखें आधा घंटा इसने वेट कराने के बाद ये गाड़ी का पेपर लेके आया ये, और ये नवशहर गया हुआ था, अब 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट है ना यार, ये कोई बात है यार इस्लाम भाई, इस तरह ना करें आप। अच्छा जी, अब आपको फाइनल लुक ही दिखाऊंगा इंशाल्लाह, बहुत मजेदार लुक बनने वाली है इसकी गाड़ी की, और मैंने जी आर के मोनोग्राम मंगवाए हैं जो डाले पे लग के आते हैं, डाला जी आर, तो अपनी गाड़ी में भी लगाते हैं, शशका बनाते हैं, तो शशका बनता है तो बनाते हैं, नहीं बनता फिर नहीं बनाते। अब आज के दिन में मिलेंगे भाई जी आर वाले मोनोग्राम, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मंगवाना मेरी जान, जल्दी मंगवाना यार, क्या वजह? चलिए जी आ रहे थे तो हम लोगों को दिखाता हूँ ये मोनोग्राम लेके आया नहीं, पर जो अपना कट चुका है, हाफ बोनट में करवा रहा हूँ, हाफ से ज़्यादा यानी कि 3 हिस्से, पहले यहाँ करवा रहे थे हाफ हो रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ पर रख के करवा रहा हूँ ताकि चांद तारा बने और खूबसूरत फ्लैग लगे हमारा, इंशाल्लाह भी मजा आएगा आपको, फाइनल लुक भी आपको साथ साथ दिखाता हूँ। अब कितनी देर लगी, जल्दी कर दो यार, गर्मी देखी है आपने यार कितनी, कितने मेरी गर्मी से बुरा हाल हुआ है। आ गए असद भाई के पास, और ये नवशहर चौक पे इनकी शॉप है, क्योंकि ये जी आर वाले मोनोग्राम मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहे थे, और मिल रहे थे तो 3-3 हज़ार रुपये के मिल रहे थे, तो इन्होंने भी 1500 रुपये बोला था, तो फिर 1000 रुपये के अंदर मुझे दे दिए, इनकी बहुत मेहरबानी है सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। चलते हैं जी, लगाते हैं गाड़ी को ऊपर, और फिर आपको फाइनल लुक भी दिखाते हैं कि वो चांद तारा कैसा लग रहा है हमारा, और हमारा जी आर भी कैसा लग रहा है, मेहरबानी है जी इनकी, मार्केट में वो छोटे छोटे इस्लाम ने मंगवाए थे 1800, 2000, 3000 के छोटे वाले, अब ये भी 3000 मांग रहे थे, और 3000 के और लोग मांग रहे थे, इतने मेरे से मांगे 1500 और 1000 रुपये के मुझे दे दिए इसने। चलते लगा के दिखाता हूँ कैसा लगता है। जी आर वाले जो मोनोग्राम थे एक मैंने यहाँ लगा दिए, और अब हमारी गाड़ी बन गई है जी आर स्पोर्ट्स। मामा जी उसने ऐसा वाले उसने ही दिया, ऐसा वाले ने, और बड़ा मुनासिब दिया, 2000 रुपये के दो, दो वही 1000 दो हो गए ना मामू। अच्छा जी फाइनल लुक भी आपको दिखाते चले, ये हमारी गाड़ी की फाइनल लुक क्या है, 1 2 3 गो, ये जी आर फ्रंट पे लगवा दिया हमने, नजर आ रहा है, ये शोरूम का लड़का है ना मुदम्मिल, ये आ गया, हाँ जी मुदम्मिल ले आया गाड़ी, कौन सी वी एक्सएल है, क्या क्या करवाना है इसका, बाकी सामान लाया, एयर प्रेशर वगैरह सारी चीज़ें इसकी, नहीं वो गाड़ी में पड़े हुए थे एयर प्रेशर वगैरह स्पॉइलर। अच्छा चलो गाड़ी की लुक दिखाने दो, हटो तरह साइड से, ये जी गाड़ी की फाइनल लुक है, और जाओ काम कर, चल छुट्टी कर, छुट्टी कर मेरे पुत्र, गाड़ी अब जेंगो मैंगो लग रही है मुदम्मिल,
मजेदार लग रही है, अंदर से नहीं कुछ करा। इधर आ यार, परफ्यूम काट दो मुझे एक। हाय 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 यार, इसके रिम ब्लैक कराए। अच्छा भाई जान, अच्छा भाई जान, हमारे बच्चे हमें सिखाएंगे। अब मुझे ये बताओ कि रिम ब्लैक करें मुदमिल? मैट ब्लैक बहुत प्यारे लगेंगे मुदमिल। हाँ हाँ, तो ऐसा कर रहे हो? कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे यार। ये ना करो, गर्मी तो तुम्हारा जो मास्क है। अच्छा फिर हम ऐसे 14 कस बना ले। कहा है मुदमिल गाड़ी यार, वो हटवाओ ना जेल आई। क्या कर, क्या क्या करवाना है? चलो चलो ले आओ गाड़ी, इधर ले आओ, ये हटवाओ यार गाड़ी फटाफट। अच्छा यार, फाइनल लुक तो मुझे बता दो, आप लोग कैसी लग रही है गाड़ी? जेंगो मेंगो लग रही? नहीं लग रही, प्यारी लग रही है ना। ये देखो लुक चेक करो, है ना मजेदार लुक। मुदमिल मजा आया? 14 अगस्त पे हम जा रहे हैं। लइए सोच तो रहा था मरी जाने की, लेकिन मेरे साथ कोई जाने वाला बना नहीं। वो फिर हमने बटा ली, बटाने से मुराद हमने चेंज कर लिया, हमने वाइट पे शिफ्ट कर लिया। और मेटालिक आल्टो 4 सेल है, उसका व्लॉग भी कमिंग सून है। तो मुदमिल साहब ऐसे चला ले और उसको कहना बाइक तो हटा ले भैया, भैया भैया जी चले जी चले जी, हटा लो मेरी जान। चल चल लादे में लगा दिए। मुदमिल साहब की ड्यूटी लगी है दूसरी गाड़ी लेके जाने की। मुदमिल साहब जो भी काम करवाते रहो ना, मुझे अपडेट देते रहना। व्हाट्सएप तो हमारा चल नहीं रहा, लेकिन अपडेट आप हमें देते रहना। न्यू स्टॉक भी दिखाता हूँ क्या क्या है। और आपके भाई ने एक रिबर्थ भी ली है, वो भी बनने गई हुई है। तो मैंने सोचा इसी ब्लॉग में ऐड करूँ। क्या हाल है भाई? ठीक हो आप? तो भाई ठीक है, आपकी ठीक है? तो ये गाड़ी रिबर्थ है, बड़ी प्यारी है। जुमेरात को कह रहे थे कि आएगी, तो जुमेरात को दिखा दूँगा। फिलहाल जो स्टॉक खड़ा वो दिखाता हूँ। मेहनतें हो रही हैं, मेहनतें हो रही हैं। ये आल्टो 19 एक और ली थी मैंने, ये माई भाई की पहले वाली गाड़ी थी। ये कौन सी आई थी है? ये कौन सी गाड़ी है मुदमिल? आल्टो? ये वाली किसकी आल्टो है? ये वाली आल्टो किसकी? अच्छा नहीं भाई की है। चले जी, आज मुझे लग रहा काम स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो कोई भी गाड़ी बाहर नहीं खड़ी ना। चले जी बैठे हूँ ऑफिस में। बाहर जो गर्मी है ना आज, अल्लाह की कसम गर्मी ऐसे है कि पूछो ना कि कैसे गर्मी है भाई। LCD चला लें क्योंकि बाहर के हालात भी देखने होते हैं ना साथ साथ, कि बाहर के हालात जा रहे हैं। आज तो काम मुझे लग रहा है बहुत ही ठंडा है। अच्छा यार, ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर देते हैं और इसी उम्मीद से ख़त्म कर देते हैं। आपको ये अच्छा लगा, अच्छा लगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और ये बताना है गाड़ी कैसी लगी कमेंट्स में। आप नहीं बताया करो यार, ये कोई बात है यार।